It's not a game. It's a rich thing. सॉरी गाइस, कुछ टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर सका क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, लेकिन अभी हम एकदम फिट हो गए हैं। डोंट वरी, कोरोना वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, वैसे ही हल्का सा थोड़ी थकान सी थी और कुछ नहीं। तो आज हम आ चुके हैं बहुत ही नए ब्लॉग के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं पंकज ब्लॉग। बहुत ही स्वागत करता हूँ आपका अपने ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग जो है वो बेस है एक नई सी लोकेशन पे। हम बहुत ही यूनिक लोकेशन पे आ गए हैं, जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम वीडियो जो फर्स्ट मेरी वीडियो थी गाड़ी वाले, नहीं उससे फर्स्ट वीडियो जो थी, तो जो उस वीडियो में मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी, वही लोकेशन है जहाँ पे मैं इस टाइम खड़ा हूँ। और मेरे सामने इस टाइम जो नज़ारा है वो पानी ही पानी यहाँ पे है, वो आपको दिखाऊँगा अभी थोड़ी देर में। बोट्स भी चल रही हैं, लोग देखने के लिए आ रहे हैं, सारे इन्जॉय कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार जगह है। यहाँ पर दिखाओ पाऊँ तो वहाँ पर बोटिंग वगैरह के लिए लोग बैठे हैं, वहाँ पर जा सके, कोई हमें बोटिंग वगैरह करा दे तो मज़ा ही आ जाए। हम कभी गए नहीं हैं बोटिंग के लिए। बाकी देखते हैं अभी कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, वो देखेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे हम आगे के बारे में। मैं भी कोई तकरीबन काफ़ी सालों बाद यहाँ पे आया हूँ, कोशिश करेंगे हम पानी के पास जाने की। वैसे घर वालों की सख्त हिदायत है कि पानी के पास नहीं जाना क्योंकि यहाँ पर दलदल है, लेकिन यहाँ पर दलदल वगैरह तो कुछ नहीं है, एकदम सोलिड जगह है। घर वालों को दिखाने के लिए ठीक है, मैं किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। और वो भैया वहाँ पे बोटिंग के लिए निकल रहे हैं। कचरा भाई साहब, कचरे की तो बहाल दी, मतलब पूछो देखना जरा कितना कचरा है, सारा पानी बुरी हालत है भाई। क्या मज़े है ना यहाँ पे, यहाँ पे मेरे रोज़ घूमने को आए तो बंदा है, तो शाम के टाइम मूड ही कुछ और होता है। धीरे धीरे ऊपर को पानी आता है कि पठानकोट से जब पानी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, जो पठानकोट में पोंग डैम बना हुआ है जहाँ पे एग्जैक्टली, जब वहाँ पे पानी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पे पानी आना शुरू हो जाता है। बारिश की वजह से पानी जब बढ़ जाता है उस वजह से, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए फिर गेट खोल देते हैं। भाई पहले तो यहाँ पे लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, लेकिन अभी थोड़ा सा सूरज हो गया है, मध्यम क्या पूरा डूब ही गया अभी सूरज, तो बहुत ज़्यादा अभी ठंडा ठंडी थोड़ी हवा चलने लगी है पानी में, तो मज़ा आ रहा है एकदम से बहुत से। और यहाँ पे जो लोग थे वो भी इन्होंने घर जाना शुरू कर दिया, अभी यहाँ पर कोई भी बैठा, खाली हम ही बचे हैं, पहले बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो ये शाम होना भी शुरू हो गया है, सूरज डूब चुका है, अभी वापसी के लिए हमें निकलना है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मुलाकात होगी नई चीज़ों के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थोड़ा सा सपोर्ट भाई को जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार,